हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत करते हैं और अभी हम आ गए हैं बिलासपुर में तिफरा में एम स्क्वायर मारुति सुजुकी का जो ऑथराइज्ड रीसेलर हैं उनके पास आ गए हैं। तो यहां आपको कितने सारे वैरायटीज देखने को मिल जाएंगे उसके बारे में पूरा डिटेल में रिव्यू करेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और इसके बाद हम मिलेंगे सर से और जानेंगे यहां क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो चलिए मिलते हैं सर से, उसके बाद पूरा एक एक कार का मैं डिटेल रिव्यू करूँगा। ठीक है दोस्तों, चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं सर से और पूरा इंट्रो लेंगे सर का और बताएंगे वो यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और एक बार फिर बता दूं मैं, हम आए हैं बिलासपुर में एम स्क्वायर मोटर में मारुति सुजुकी का शोरूम। तो चलिए मिलते हैं सर से। तो आ जाओ भाई कैमरा वाले, तो मिलिए सर से। हेलो सर। हाँ, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और अपना इंट्रो दीजिए, नाम बताइए सर दर्शकों को। मेरा नाम मनोज कुमार शुक्ला है और मैं यहाँ पे एम स्क्वायर मोटर्स मारुति सुजुकी एरिना में एज ए SRM काम कर रहा हूँ। जी हाँ, तो जी बताइए सर, आपके पास क्या क्या व्हीकल अभी करंट में अवेलेबल हैं और बुकिंग वगैरह जो भी फैसिलिटी है उसके बारे में कुछ बता दीजिए सर। जी जी जी, मैं बताना चाहूँगा आपको दोस्त कि हमारे यहाँ सबसे पहले आप जानते होंगे ऑल्टो 800 जो होती है जी। उसके बाद आपका एस्प्रेसो, वेगनार जी, सेलेरियो न्यू फेसलिफ्ट लॉन्च हुई है जी जी। और साथ ही आपको बताना चाहूँगा वेगनार भी फेसलिफ्ट हुई है जी, अभी जस्ट लॉन्च हुई है जी। तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है कस्टमर का जी। और साथ ही उसके बाद आप देखेंगे आगे बढ़ते हैं तो वेगनार में 1.0 और 1.2 दो CC में इंजन में आती है जी। और साथ ही उसके बाद आपका स्विफ्ट डिजायर जी, ब्रेजा जी, विटारा ब्रेजा बोलते हैं जी। और साथ ही आपका अर्टिगा जी। और MPV सेगमेंट में जाएंगे ना तो आपका आता है इको जी। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ अवेलेबल हैं जी, सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है व्हीकल। हाँ, और सभी से मैं आपके YouTube चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा जी कि यहाँ पे सब कस्टमर को बहुत ही अच्छा जी, जी, अच्छा रिस्पांस मिलेगा जी। बहुत ही अच्छी फैसिलिटी आपको मिलेगी जी। और तो जैसे कोई सर, जैसे कि कोई अगर टेस्ट ड्राइव वगैरह लेना चाहता है हाँ, तो बेझिझक आ सकता है आपके एजेंसी में? हाँ हाँ, बिल्कुल बेझिझक आ सकते हैं। उनके लिए हम ये भी फैसिलिटी रहती है जी कि यदि उनको नहीं बनता है कस्टमर को जी, तो हमारे पास नंबर है, जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको नंबर जी, 6262 जी 2532 जी। और उसी में आप और जाना चाहेंगे तो 6262 जी 2503 ये नंबर है एजेंसी का। हाँ, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा जैसे कोई भी कस्टमर यहाँ आना चाहते हैं तो। और अगर आप लोकल बिलासपुर से हैं तो बिल्कुल आइए और यहाँ आपको कुछ कुछ ऑफ़र वगैरह के तहत भी डिस्काउंट किए जाएंगे। हाँ, उसके बारे में कुछ बताइए सर, ऑफ़र वगैरह। मैं बताना चाहूँगा सीजन वगैरह में कोई लेता है तो उस कंडीशन पे। हाँ हाँ, मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसमें आपका इस समय जैसे आप लेते हैं, जो भी कस्टमर अभी रिस्पॉन्स करते हैं यदि लेने के लिए इच्छुक हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑफ़र चल रहा है अभी जी। जैसे मैं एक बताना चाहूँगा सेलेरियो है, सेलेरियो में यदि जो लेना चाहेंगे उनको अभी 33,000 का कंज्यूमर ऑफ़र चल रहा है जी, कंज्यूमर ऑफ़र। साथ ही उसमें और भी कुछ एडिशनल ऑफ़र रहते हैं जैसे कि कॉर्पोरेट ऑफ़र बोलते हैं जी जी, वो भी कुछ कुछ जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो गए या कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं जी, जो मारुति सेलेक्टेड रहते हैं जी जी, उनको भी मिलेगा उसमें ऑफ़र, एडिशनल डिस्काउंट रहता है। बिल्कुल सर। हाँ, और अभी ये डिस्काउंट बहुत ही अच्छा डिस्काउंट चल रहा है अभी, 33,000 बहुत होता है सर, 33,000। साथ ही वेगनार में आप जैसे देखेंगे तो वेगनार में भी आपको 30,000 का डिस्काउंट चल रहा है अपनी, जैसे कि वेगनार 1.0 लीटर में जाते हैं जी, 1000 CC इंजन में जी। हाँ, तो थैंक यू सर आपका हमारे चैनल पे और इतना फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए थैंक यू। और थैंक यू एम स्क्वायर मोटर को भी एक बार। और चलिए हम पर्टिकुलर किसी व्हीकल पे फोकस करते हैं और उसका पूरा डिटेल रिव्यू करेंगे हमारे चैनल पे। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, वेलकम। तो ये है दोस्तों 2022 मॉडल द ऑल न्यू आर्टिगा ZXi+ जो ऑटोमेटिक में आती है। और इसके की से स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले, बट उससे पहले कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक बार इसका आप आउटलुक देख लीजिए कैसे दिखती है ये कार। स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट व्यू से दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है आपको मैरून कलर में देखने को मिल जाता है, ZXi+ वेरिएंट है ये। बात करेंगे इसके की के बारे में तो की इसका कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है जिसमें सेंटर में मारुति का लोगो और लॉक अनलॉक बटन के साथ में आपको और कुछ एक्स्ट्रा इसमें एडिशनल दिए नहीं गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं इसके फ्रंट लुक के साइड।
तो फ्रंट में आपको इसमें क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, फ्रंट में आपको क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, सेंटर में मारुति का लोगो। ये आप इसका जो फ्रंट में देख रहे हैं ये ग्रिल में ब्लैक और क्रोम की फिनिशिंग साथ में आती है। और ये CG10 की गाड़ी है दोस्तों, जो लोकल बिलासपुर की गाड़ी है। बात करेंगे इसके साइड में, तो यहाँ भी क्रोम की फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ आपको हेलोजन दिया गया है, जो फॉग लैंप है ये टॉप वेरिएंट है इसीलिए पहले से दिया गया है। यहाँ आपको एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलता है, और साइड इंडिकेटर के लिए आपको यहाँ एक येलो कलर का बल्ब, उसके साथ में एक और हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिलता है। और जो इसमें भी यहाँ आपको क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ बात करेंगे लोअर बम्फर के बारे में, तो लोअर बम्फर आपको काफ़ी अच्छा ग्रे कलर में प्रोवाइड किया गया है, जो कि काफ़ी देखने में अट्रैक्टिव लगता है दोस्तों। और बात करेंगे इसके मिरर्स के बारे में, तो ORBMs के बारे में, तो ORBM में आपको यहाँ ये साइड इंडिकेटर दिए गए हैं, जो कि की लॉक अनलॉक करने पे में भी काम करते हैं। और ऑटो फोल्डेबल आपको इसमें मिरर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ भी आपको क्रोम की फिनिशिंग, क्रोम की पूरा फिनिशिंग दी गई है, देख सकते हैं। और रिक्वेस्ट सेंसर के साथ यहाँ आप डोर हैंडल पे दिया गया है रिक्वेस्ट सेंसर। और नीचे में भी आपको ये क्रोम की फिनिशिंग यहाँ भी दी गई है डुअल टोन में, आपको ब्लैक और क्रोम के साथ। काफ़ी शाइनी कलर है दोस्तों ये। और बात करते हैं इसके सनरूफ के बारे में, तो यहाँ आपको कोई ग्रिल वगैरह देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ आपको कोई ग्रिल वगैरह देखने को नहीं मिलता है। पीछे में रेन के लिए आपको एक स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करने के लिए ये दिया गया है, जो कि AC सीरीज़ के रूप में लग जाएगा दूसरे मॉडल में भी, बट ये टॉप मॉडल है इसमें पहले से दिया गया है दोस्तों। यहाँ बैक में आपको रेन सेंसिंग वाइपर दिया गया है, सेंटर में मारुति का लोगो। और यहाँ आपको देखने को मिल जाता है कैमरा, रिवर्स पार्किंग कैमरा, और हाइब्रिड का, स्मार्ट हाइब्रिड का यहाँ लोगो देख सकते हैं। बात करेंगे इसके टायर साइज़ के बारे में दोस्तों, तो इसमें आपको 185/65 के R15 इंच के एलॉय के साथ टायर देखने को मिल जाते हैं, जो मशीन कट एलॉय आते हैं। अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में दोस्तों, तो इसमें आपको 4395 mm की लेंथ देखने को मिल जाती है, 1735 mm का आपको विड्थ देखने को मिल जाता है, और हाइट की बात करें 1690 mm की हाइट देखने को मिल जाती है। बात करेंगे इसके व्हील बेस के बारे में दोस्तों, तो इसमें आपको 2740 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है, और जो कि सेम XL6 जैसी व्हील बेस है। बात करेंगे इसके पावर फिगर के बारे में दोस्तों, तो यह आपको इसमें 103 bhp की पावर जनरेट करने वाली 1462 cc का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम टॉर्क 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और जो कि ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, इसलिए इसमें 6-speed गियर दिए गए हैं। और इसकी सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 7-seater है दोस्तों। और बूट स्पेस की बात करेंगे तो इसमें आपको 209 liter का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, उसमें सारे आपके जो सीट्स हैं वो अप रहते हैं। और यदि आप थर्ड रो को फोल्ड कर देते हैं तो उसके बाद आपको 555 liter का काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। और बात करेंगे फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में दोस्तों, तो इसमें आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा टैंक है। और बात करेंगे इसके एवरेज के बारे में दोस्तों, तो यह आपको 20 kmpl का एवरेज देती है, जो कि काफ़ी सफिशेंट है इंडियन कंज्यूमर के लिए। तो चलिए काफ़ी कुछ कवर हो गया। अब बात करेंगे इंटीरियर के बारे में, तो चलिए बात करेंगे इंटीरियर के बारे में। तो यहाँ से आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया जाता है, रिक्वेस्ट सेंसर मैंने प्रेस किया, और अब चलते हैं हम अंदर, और ये ओपन हो रहा है आपका डोर। अब चलिए इंटीरियर को बात करेंगे दोस्तों, तो इंटीरियर में सबसे पहले डोर में बता दूं, यहाँ 4 आपको पावर विंडो के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, ये डोर हैंडल्स, ये लॉकिंग का वो सिस्टम। और यहाँ आपको कोई लेदर सॉफ्ट मटेरियल तो नहीं दिया गया है, बाकी जो फिनिशिंग है काफ़ी अच्छा दिया गया है दोस्तों। तो चलते हैं अंदर और आइए बैठते हैं इसके फ्रंट सीट पर और देखेंगे। तो यहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है दोस्तों, तो इसमें आपको कोई अलग से और गियर वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। और यह है आपका पेट्रोल फ्यूल का ओपन करने का बटन, और यहाँ आपको दिया गया है स्पीकर। फर्स्ट इम्प्रेशन में इसका जो इंटीरियर है दोस्तों, काफ़ी अट्रैक्टिव मेरे को लगा। और आप भी अगर देखते हैं इसको वीडियो में, हालांकि पता नहीं चलता, पर रियल में फील करके देखेंगे दोस्तों, काफ़ी अट्रैक्टिव फील आने वाली है, सेम इनोवा जैसी फील आने वाली है आपको, जो कि बजट रेंज की इनोवा कह सकते हैं इसको हम। तो बात करेंगे इसके और सारे बहुत सारे फीचर्स के बारे में, तो वहाँ आपको ऊपर में वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है, साइड में IRBM, और जो इसमें सीट्स दिए गए हैं हेडरेस्ट एडजस्टेबल आते हैं, और वो कोई बताने वाली चीज़ नहीं है दोस्तों। रियर AC वेंट्स दिए गए हैं आपको, और देख सकते हैं यहाँ से पीछे का लुक काफ़ी
अच्छा खासा स्पेस आपको देखने को मिलता है। वैसे भी ये 7 सीटर है दोस्तों। चलिए नजर डालते हैं फ्रंट डैशबोर्ड पर, क्या कुछ देखने को मिलता है दोस्तों। बात करेंगे इसके फ्रंट डैशबोर्ड के बारे में तो वो काफी क्लियर आपको देखने को मिल जाता है। बात करेंगे स्टीयरिंग के बारे में तो इसमें आपको कोई सॉफ्ट टच मटेरियल का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। बीच में सुजुकी का लोगो, क्रोम की फिनिशिंग और काफ़ी अट्रैक्टिव डैशबोर्ड। और इसमें आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है दोस्तों, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। और बात करेंगे इसके नीचे साइड में तो इसमें आपको एक्सीलेटर से रिलेटेड जो भी सिस्टम दिए गए हैं, यहाँ आपको इंजन स्टार्ट और ऑफ करने का सिस्टम मतलब कि बटन, और यहाँ आपको मिलते हैं एसी वेंट्स, 4 एसी वेंट्स दिए गए हैं आपको फ्रंट में। और 10 इंच की टच डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है जो कि मीडिया कंट्रोल करती है, सब चीज़ टच से आप कंट्रोल कर सकते हैं। बात करेंगे एसी कंट्रोल्स के बारे में तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है जो कि मतलब ऑटोमेटिक है। और यहाँ आपको हैंड ब्रेक और यह है आपका गियर शिफ्टिंग सिस्टम। और यहाँ आपको 12 वाट के चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं और बगल में आपको यूएसबी टाइप बी का सपोर्ट। और यहाँ आप देख सकते हैं 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। यहाँ जो सीट का जो कम्फर्टेबल लेवल है ना दोस्तों, काफ़ी अच्छा है। और देख रहे हैं आप इसका जो मटेरियल है, बाकी एकदम सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ है। बात करेंगे इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में दोस्तों, तो इसमें आपको 4 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं और सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड लॉक सिस्टम वगैरह देखने को मिल जाता है। इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया गया है दोस्तों, मारुति भी इस चीज़ में ध्यान दे रही है। तो चलिए अब पीछे के डैशबोर्ड को चलते हैं, देखेंगे क्या उसमें सिस्टम देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको जो टॉप स्पीड दी गई है दोस्तों, 220 की टॉप स्पीड इसमें आपको दी गई है, बाकी गाड़ी उतना अचीव करती नहीं है। फिलहाल कंपनी के द्वारा 220 का टॉप स्पीड दिया रहता है मीटर में। तो चलिए आप पीछे के साइड चलेंगे और क्या फीचर वगैरह देखने को मिलेंगे उसको एक बार वहाँ भी देखते हैं। यहाँ भी आपको 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है और ये सेंट्रल आर्मरेस्ट है वहाँ का। और ये हीट हाइट एडजस्टेबल सीट आपको देखने को मिल जाते हैं, पहले ही बता दिया मैंने दोस्तों। और ये ग्रैब हैंडल यहाँ दिए गए हैं और लाइट्स दिए गए हैं ऊपर में, रूफ में लाइट दिए गए हैं। काफ़ी अच्छा एकदम फिनिश के साथ ही केबिन आपको मिलता है और ये यहाँ से भी फोल्ड होता है। यहाँ से फोल्ड होने के बाद आप पीछे सीट पर जा सकते हैं तो ठीक है। और ये जो वेरिएंट है दोस्तों ऑटोमेटिक है, ZXi प्लस ऑटोमेटिक है ये। तो काफ़ी कुछ मैंने कवर कर लिया है और ठीक है। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पर बने रहिए, और इसी तरीके से रिव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। की पहले बताया हूँ कि नहीं, एक बार और देख लीजिए कि बहुत स्मार्ट देखने को मिल जाता है। इसका ओरिजिनल की मेरे पास इसमें नहीं है, वो शायद गाड़ी में लगा है जो भी है। और इसी तरीके से वीडियो आपको मिलते रहेंगे और ये हमारा अभी स्टार्टिंग का वीडियो है। कैसा लगा रिव्यू बताइएगा ज़रूर, और मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्यूज़ बढ़ाइए दोस्तों। व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, इतना अच्छा कॉन्टेंट देने के बाद भी अगर व्यूज़ नहीं आएगा तो मोटिवेशन कैसे मिलेगा दोस्तों। इस तरीके से थी आर्टिगा की कहानी, जो 2022 मॉडल है ऑटोमेटिक ZXi प्लस। तो बंद करते हैं डोर्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आइए एम स्क्वायर किफरा रोड में आपको मिल जाएगा, बिलासपुर में है ये, लोकल बिलासपुर से हैं तो बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। और एम स्क्वायर यहाँ पूरा लोगो दिख रहा है आपको, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में वेट कीजिए। थैंक यू दोस्तों अपना टाइम देने के लिए।